नमस्कार दोस्तों, जो पीछे मैंने अधूरा छोड़ दिया था वो पार्ट पूरा करूंगा। मेरे को छोड़ना मजबूरी था क्योंकि आप कोई भी चीज़ है आप अधूरी लेके चलते हैं, बस मेरे को इसके लिए दूसरा भाग बनाना पड़ा क्योंकि मैंने पहले वीडियो बहुत सारी डाली है तो आपको लगता है कि 9 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगता है क्योंकि आपको असलियत जानना है। मेरे को ऐसा असलियत बताना है कि किसी में प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा एक पेंटर होने के नाते एक छोटी सी गाइडलाइन देता हूँ कि भाई ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, बस वही एक कारण है और कुछ कारण नहीं है मेरा। तो आपको अब दूसरा टाइप मैं फिर से वही दोनों सामान मेरे पास खाली पड़े हुए हैं, खाली, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा होता है, ये खाली डिब्बे मैंने आपको दिखाने के लिए जो खाली मेरे पास हो गए साइड में से ला के आपको दिखा रहा हूं, ये सब होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी में हो सकता है, प्राइमर में भी हो सकता है, पुट्टी में भी हो सकता है। पुट्टी तो आजकल आपका भगवान भला करे, पुट्टी तो ऐसा चलती है, क्या कौन सा प्लास्टर, मल्टी प्लास्टर, आप कोई भी प्लास्टर यूज करो, मल्टी प्लास्टर करो या कोई भी पुट्टी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पैसा खर्चा करते हैं, ब्रांड के लिए खर्चा करते हैं, तो कम से कम आप, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं तो आप YouTube से वेबसाइट, आजकल वेबसाइट पे भी बहुत कुछ बताने के लिए है, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए कौन सा चीज़ है अच्छा है जो लगाना चाहिए। आपका दीवार पे पेंट है या नहीं है तो आप दोनों तरीके से आप जानकारी, मैंने हर वीडियो में हर तरीके से बताऊंगा। मैं अभी फिर वीडियो बनाऊंगा जिसका आपका बिल्कुल नए दीवार के ऊपर पूरा पेंट, आप किस तरीके से क्या क्या यूज करेंगे, आपको अगर फिक्र रहे आपके घर से तो आप देखिएगा, और यदि नहीं है तो भाई आप छोड़ सकते हो मेरे वीडियो। मैंने ऐसा बोला नहीं कि आप थोपा नहीं, आप देखो, लेकिन अगर आप पेंट कराने जा रहे हो तो सुचेत रहने की आपको सख्त जरूरत है क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे ही हर चीज समझ लीजिए। और दूसरा, अगर लोकल काम करा रहा है, लोकल सामान आप यूज करे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये चलता है क्योंकि लोकल सामान में हर चीज हर जगह से मिलती है। और ये भी आपको पेंट भी, ब्रांडेड पेंट भी आपको अच्छी दुकानों से भी मिल जाएंगे, छोटी दुकानों से भी मिल जाएंगे, बड़ी दुकानों से भी मिल जाएंगे। सिर्फ 5-7-10 रुपए का फर्क होता है, इतना ही फर्क होता है। आप एक होलसेलर के पास जाएंगे तो आपको 5-7 रुपए का, ये छोटी दुकान, इतना ही फर्क पड़ता है क्योंकि इसका जो रेट है कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, क्योंकि जब ब्रांड में कॉम्प्रोमाइज नहीं तो रेट में कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगी कंपनी, बताइए। क्योंकि आप कंप्लेंट करेंगे, तुरंत कंप्लेंट करेंगे यदि कोई भी फॉल्ट आएगा तो कंपनी का तो भट्टा बैठ जाएगा ना भाई। इसके लिए कंपनी कुछ गलत नहीं करती, अपने ब्रांड में कभी गलती नहीं करती, गलती से गलती हो जाए तो उसको रिकवर करती है और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है, ऐसा हुआ वो दुकानों वालों को बता देंगे। कभी गलती मैंने तो सुना भी नहीं, गलती हो जाए लेकिन ऐसा करेगी। लेकिन आपके तक कोई चीज ओरिजिनल पहुंचे, सही पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पेंटर की जिम्मेदारी नहीं। पेंटर को तो आपने बोल दिया हमको रॉयल शाइन मारना है, वो लाया किया, और जो बंदा ईमानदारी से आपके यहाँ करने वाला था वो गया क्योंकि उसको वो बजट नहीं दिया। तो बजट ऐसा नहीं है कि देखिए, मैंने एक बार पहले हर चीज रिपीट करना जरूरी, कुछ चीजें हैं जो रिपीट होती हैं, बाकी सब रिपीट नहीं होती। कभी भी आप पेंट करा रहे हो तो बजट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। हाँ, आपका 50,000 का खर्चा आ रहा है तो उसमें 2,000-5,000 इतने फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा क्या फर्क कर देंगे आप। अब कभी कभी क्या होता है कि आजकल गुरु है पेंटर भी, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के रखेंगे ताजो उनको ऐसा लगे पार्टी को ये बहुत अच्छा बंदा है, तो कोई बात नहीं, अच्छा है तो आप थोड़ा अवेयर रहिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कौन कैसा करेगा।
पेंटर कॉन्ट्रैक्टर के अधीन होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपके अधीन होता है क्योंकि आपके हिसाब से काम करके देना है, और आप अपने खुद के मालिक हैं, आपको कैसा करवाना है। ज़्यादा लंबा वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं, ये टॉपिक पे जितना बोल दिया मैंने बहुत है, कि आप अवेयर रहिए। मेरा यही मतलब है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़े, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। आपका जो भी जैसा घर का सिचुएशन है, जो आपके घर की पोजीशन है, वो पोजीशन में क्या खर्चा आता है, एक दो या तीन आदमी को आप बुलाइए, एक ही आदमी को बुला के कन्फर्म ना कीजिए। वो कौन से बंदे, अगर आपने काम देखा है तो ठीक, यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, और बजट से भी पता चलता है, उसने काम बात से भी पता चल ही जाता है। लेकिन इतना भी आज की तारीख में कोई होशियार नहीं कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत होशियार हो गए हैं पेंटर। कोई भी पेंटर रहने नहीं जाता है, सबको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, हर किसी को कॉन्ट्रैक्टर बनना है। अगर उसको ब्रश उठाना आ गया तो वो कॉन्ट्रैक्टर है भाई, क्योंकि कोई भी बुला के कोई यार दोस्त या सगे वाला या कोई करना, हमारे एक कर दिया ना, उसको लगता है हम कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर की कुछ जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही कर सकता है, पेंटर के बस की बात नहीं। पेंटर पेंटिंग कर सकता है, अच्छी कर सकता है, अच्छी से भी अच्छी कर सकता है, क्योंकि वो कारीगर है। कारीगर को मैं ऐसा नहीं बोलता कि कारीगर कुछ भी ऐसा करेगा जो उसकी प्रतिष्ठा को चोट दे या उसका मान सम्मान को गिराए। हर कोई अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है, इज्जत मान के लिए अच्छा करता है। तो कारीगर के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, तो ये करता कौन है फिर? सबसे पहले आप लोग ही करते हैं। बजट जब आप बनाते हैं तो बजट के फिर भी अगर कोई करता है तो पैसा तो पूरा आपके हाथ में, आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कोशिश कीजिए कि सर्टिफाइड जो बंदे हैं उससे ही आप काम करवाओ, किसी से भी मत करवाओ। तो आपका घर है, आपकी मर्जी है, बाकी अपनी तो अर्जी है।